चवेटचंद मेघाणी की जन्म जयंती के चलते वडोदरा महानगर पालिका की ओर से उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करने का कार्यक्रम आयोजित करवाया गया था। दरअसल साहित्यकार चवेटचंद मेघाणी की जन्म जयंती को मनाते हुए हर साल की तरह इस साल भी वडोदरा महानगर पालिका ने चकली सर्कल पर मौजूद उनकी प्रतिमा को सुशोभित करवाया था। इस दौरान विशेष तौर पर डिप्टी मेयर नंदाबेन जोशी, साई समिति के चेयरमैन डॉक्टर हितेंद्र पटेल, आरोग्य विभाग के चेयरमैन डॉक्टर राजेश शाह, विपक्षी नेता अमीबेन रावत, डिप्टी कमिश्नर सुरेश तुवेर समेत काउंसिलर मौजूद रहे थे। सभी की मौजूदगी में चवेटचंद मेघाणी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उनकी जन्म जयंती पर उन्हें नमन किया गया था। राष्ट्रीय शायर चवेटचंद मेघाणी जी जन्म जयंती निमित्ते एमना प्रतिमा ने श्रद्धा सुमन अर्पण कर्या। चवेटचंद मेघाणी एक गुजराती कवि, साहित्यकार, लोक साहित्यना संपादक, संशोधक, विवेचक अने अनुवादक हता। मेघाणीनी लोकगीतों ए निरस लोकोनी जीवन में प्राण पुरावानुं काम करे छे। एमनी कथा अनेक कविताओं, एमना शब्दों, एमना सूर, एमना वाणी थी आजे पण लोकोना जीवन में, लोको में आजे जीवंत छे एवा वीर अपना लोक शायर चवेटचंद मेघाणी ने हूँ शत शत नमन करूँ छूँ। एमनी कविताओं, मोरबनी थनगाट करे आज मने लाग्यो कसुबीनो रंग, आ कविता ने याद करीने एमने आजनी साची श्रद्धांजलि आपू छूँ, एमने शत शत नमन करूँ छूँ। भारत माता की जय। राष्ट्रीय शायर चवेटचंद मेघाणी जी आज जन्मजयंती निमित्ते पुष्पांजलि अर्पण करी छे। जेमने खुद महात्मा गांधीए राष्ट्रीय कविनु बिरदू आप्युं, स्वतंत्र संग्राम में लाखों नवयुवानों ने जोम भरे तेवी कविताओं, तेवी शायरीओ, रविन्द्रनाथ टागोर नी बुक्स ने लिटरेचर ने ट्रांसलेट करनार अने गामडे गामडे फरी ने आपड़ा लोक संगीत ने संग्रह करनार चवेटचंद मेघाणी ने आज एमने जे साहित्य माटे एमने जे योगदान आप्युं छे तेमना माटे सत सत नमन करीए छे। तेमने जे कविताओं ने जे रचनाओं करी छे, जे साहित्य कर्युं छे, एमांथी खूब शीख मळे तेवा लेसन्स छे। नवयुवानों फरीथी चवेटचंद मेघाणीनी कविताओं अने एमना साहित्यનું વાંચન કરીને એમાંથી ખૂબ પ્રેરણા મેળવી શકે છે। રાષ્ટ્રીય શાયર ઝવેરચંદ મેઘાણીજીનો આજે જન્મદિવસ હોય, તેઓના મૂર્તિ પાસે મહાનગર વડોદરા કોર્પોરેશનના માધ્યમથી એક પુષ્પાંજલિનો કાર્યક્રમ છે। તેઓની યાદમાં તમામ લોકો હંમેશા જે એમની રાષ્ટ્રભક્તિ હતી એને ઉજાગર કરવા આવા પ્રકારના આયોજનો થતા રહે છે અને ડાયરાથી માંડીને તમામ એમની જે કવિતાઓ છે એ ખૂબ જ ઊંચાઈ ઉપરની હતી। શું એમના કાર્યોને અને તમામ વિષયોને લઈને શુભેચ્છા પાઠવીએ છીએ।